महिला डॉक्टर से हैवानियत के खौफनाक खुलासे, दरिंदगी के दिल दहला देने वाली वो रात। जैसे जैसे तेलंगाना के साइबराबाद में हुई हैवानियत की जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे दरिंदगी के नए नए खुलासे हो रहे हैं। महिला डॉक्टर के साथ गैंगरेप के बाद उसे जला देने वाले दरिंदों ने उस रात सारी हदें पार कर दी। गुरुवार की रात साइबराबाद के टोल प्लाजा पर पीड़िता की स्कूटी खराब हो गई थी। स्कूटी के पास खड़े ट्रक ड्राइवर ने महिला से मदद की बात की। जांच में खुलासा हुआ कि गैंगरेप से पहले चारों आरोपियों ने पीड़िता को जबरदस्ती शराब पिलाई। आरोपियों ने शराब की बोतल और कोल्ड ड्रिंक की बोतल खरीदी और पीड़िता को शराब पीने पर मजबूर किया। गैंगरेप के दौरान ही दम घुटने से पीड़िता की मौत हुई, जिसके बाद आरोपियों ने पीड़िता के शव को ट्रक में डाला और हाईवे से बेंगलुरु की तरफ बढ़ गए। पीड़िता के शव को जलाने के लिए आरोपियों ने पेट्रोल खरीदा और हैदराबाद बेंगलुरु हाईवे पर चटनपल्ली गांव के पास शव को आग के हवाले कर दिया। वारदात को अंजाम देने के बाद मुख्य आरोपी मोहम्मद आरिफ ने बाकी अपने साथी आरोपियों को रास्ते में छोड़ा और अपने घर चला गया, मानो जैसे कुछ हुआ ही ना हो। यहां पर हत्या करने के बाद युवती के शरीर को यहां से करीब 27 किलोमीटर दूर हैदराबाद बेंगलोर हाईवे पर ले जाकर जलाया गया और साक्ष्य छुपाने की कोशिश की गई। चारों आरोपी बचपन के दोस्त हैं। आरोपी मोहम्मद आरिफ ट्रक ड्राइवर है, बाकी तीनों क्लीनर। चारों आरोपी 21 से 26 साल के हैं। ये भी खुलासा हुआ कि टोल प्लाजा पर दो दिन से ट्रक खड़ा हुआ था। आरोपी ट्रक के अंदर लगातार शराब पी रहे थे। एक प्रश्न आ गया, उधर लॉरी ड्राइवर ने तो दो दिन उधर लॉरी खड़े कर उसमें दारू भी पी रहे थे, ये सब इंफॉर्मेशन पुलिस से मिल गया। इस मामले में पुलिस की लापरवाही को मानते हुए तीन पुलिस वालों को निलंबित कर दिया गया है। शनिवार को महिला आयोग के सदस्य राजपाल, तेलंगाना के गृह मंत्री ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। पीड़ित के परिवार ने महिला आयोग को बताया कि साइबराबाद के शमशाबाद की पुलिस शिकायत के तुरंत बाद एक्शन में नहीं आई। पीड़िता का फोन स्विच होने के बाद भी पुलिस हरकत में नहीं आई। आधे घंटे तक दो थानों की पुलिस इसी में उलझी रही कि ये मामला किस इलाके का है। अगर पुलिस वक्त पर काम करती तो शायद महिला डॉक्टर की जान बच जाती। She was actually something has happened, but I really don't know what has happened. So something has happened. She called me. She was telling I'm worried. You talk to me first. You tell me something. Then I'll tell what has happened. I was talking. Then she told me someone has taken her bike, saying that they will get it repaired. I said okay. Then I'll call you after 5 minutes. And after that, I called her at 9:44. The phone got switched off by that time. पुलिस की गिरफ्त में आए 14 आरोपियों को 14 दिन के पुलिस रिमांड पर भेज दिया गया। मामले की सुनवाई फास्ट ट्रैक अदालत में चलेगी। इस बीच साइबराबाद में कल रात एक और अज्ञात महिला का जला हुआ शव बरामद हुआ, जिसको लेकर कई सारे सवाल खड़े हो रहे हैं।